वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है, ये एंकर शायद पाकिस्तान में इतनी फेमस नहीं जितनी इंडिया में फेमस है, मतलब इंडियन लोग ज्यादा इसको देखते हैं और इसके प्रोग्राम इंडेक्स आप गेस्ट आते ही रहते हैं। पहले ये इमरान कोई ना भी इसकी वीडियो वायरल होती रहती है, कोई ना कोई डायलॉग लगे ही रहता है इसका, वही बात है, लेकिन इसको ज्यादा इधर सुनते नहीं है। और जितनी भी इसने की बातें सारी बकवास की हैं, इलॉजिकल बातें, व्यूज वगैरह के लिए इसने की हैं बातें। और दूसरी बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान को यार पूरी दुनिया इग्नोर कर रहा है। जब से मुझे इंडिया की एक और चीज अच्छी लगी है कि यार वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात करना ही छोड़ दी। हाँ, पाकिस्तान इंडिया छोड़ के वो सिर्फ जो है वो अपनी डेवलपमेंट पे सही फोकस कर रहे हैं। उन्होंने बात सही की कि इनका हाल वैसे के वैसे रहना है और खराब होने हैं, इनसे बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं। सही बात है। अब तो देखो कि क्रिकेट की बात हो, इनके कभी पीएम ने कभी बात नहीं आज तक की कि भाई पाकिस्तान को ये कर। क्रिकेट में भी मैं ये सुन रहा था, में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। और नहीं तो क्या? राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्या ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था, इकतदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना, चाणक्या के उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। दोनों में अगर कुछ मुश्तरिक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। जैसा कि आप सबको पता है कि अगले महीने एससीओ की मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान इस इवेंट का होस्ट है, तो पाकिस्तान को जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं सबको नोटा भेजना होता है, तो उन्होंने नोटा भारत को भी भेजा। मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक ना तो भारत सरकार ने कुछ कहा है ना मोदी जी ने कुछ कहा है, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल जब जयशंकर जी से पूछा गया, तब जयशंकर जी ने दो टूक के अंदर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। आई थिंक द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। वाह भाई वाह। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड इन सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड, आई थिंक 370 इज डन। इशू टुडे इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कैन वी पॉसिबली कंटेम्पलेट विद पाकिस्तान। व्हाट आई डू वांट टू से इज वी आर नॉट पैसिव, एंड वेदर इवेंट्स टेक अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डायरेक्शन, आइदर वे वी विल रिएक्ट। और जयशंकर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ, और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी इनकी बात से समर्थन करेगा। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। लेकिन इनकी बात से अगर कोई असमर्थन जाहिर करेगा वो है पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी डॉक्टर फिजा खलीफा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये बयान जयशंकर जी ने 3 दिन पहले दिया। ये बंदी 3 दिन से पता नहीं कौन से कोने में घूमड़ी में सूमड़ी में लगी हुई थी, किसके साथ में पता नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद इसकी आंखें खुली है, ये जागी है और सीधा जयशंकर जी पे आ गई है। भारत के वजीर खारजा और वजीर दाखिला में कद काट, तालीम, उम्र और फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वजीर दाखिला अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और वजीर खारजा जयशंकर ने इंटरनेशनल रिलेशंस में डॉक्टरेट की डिग्री ली है। ठीक है। एक की उम्र 59 साल है, दूसरे की 69 साल है। ओके। दोनों की शख्सियत में भी कहने के जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई हाँ। यकीनी तौर पर पसंद नापसंद और तरजीहात में भी कहीं ना कहीं जरूर फर्क होगा, लेकिन दोनों में अगर कुछ मुश्तरिक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। भारतीय वजीर आजम कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। सही कहते हैं हमारे पीएम, और हमारे पीएम को तो हमारे देश की आवाम भी कहती है कि फटीचरों से क्या मुकाबला, भूखे नंगों से क्या मुकाबला। और तुम पाकिस्तानियों के बारे में तो यही बोलना चाहूंगा मैं, अरे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली।
लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है। और ये आज की बात तो नहीं है, नेहरू ने बंटवारे के वक्त बड़े गुरूर से पाकिस्तान की उम्र 6 महीने बताई थी और कहा था कि पाकिस्तान 6 महीने बाद खुद हमसे हिंदुस्तान में शामिल होने की दरख्वास्त करेगा। आज नेहरू कहाँ और उनकी चिता की राख कहाँ, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग बोने की कायम है और इंशाल्लाह ता कयामत रहेगा। अरे फिजा, नेहरू जी की बुराई नहीं करते, तुम्हारी राहुल गांधी से रिश्ते की बात चल रही है ना, उसके पढ़ना ना आई है और राहुल गांधी को पता चला कि तुम नेहरू जी की बुराई कर रही हो, तो फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी फिजा खलीफा? तुम भी रंडवी हो, वो भी रंडवा है, कैसे मिलन होगा? क्या जोक मारा भाई। तो नेहरू जी के बारे में कंट्रोल रखो थोड़ा। ठीक है जी। अभी तक तो तुम्हें सिर्फ राष्ट्रवादी बीजेपी वाले राम भक्त पहल के जाते थे, अब कांग्रेस भी पहलना शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट जो भी करते हैं ना तुमको, कांग्रेस ही करते हैं। तो नेहरू जी के बारे में तमीज से बोलो, हमारे देश के पहले वजीर आजम है वो। हाँ भाई हाँ। और यही सच्चाई भारत की इंतहा पसंद सरकार को चैन से रहने नहीं देती। इस बेचैनी और जलन में मजीद इजाफा खित्ते में भारतीय मुफादात को पहुंचने वाले नुकसान से हुआ है। राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्या ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था, इक्तदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। इसका पहली बात है, ये एंकर शायद पाकिस्तान में इतनी फेमस नहीं जितनी इंडिया में फेमस है, मतलब इंडियन लोग ज्यादा इसको देखते हैं और इसके प्रोग्राम इंडिया के खिलाफ गेस्ट आते ही रहते हैं। पहले ये इमरान कोई ना भी इसकी वीडियो वायरल होती रहती है, कोई ना कोई डायलॉग लगे ही रहता है इसका, वही बात है। लेकिन इसको ज्यादा इधर सुनते नहीं है, और जितनी भी इसने की बातें सारी बकवास की हैं, इलॉजिकल बातें, व्यूज वगैरह के लिए इसने की हैं बात। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है, जब से इंडिया की और चीज़ अच्छी लगी है क्या वो, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात करनी छोड़ दी। हाँ, पाकिस्तान इंडिया छोड़ के वो सिर्फ जो है वो अपनी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने बात सही की कि इनका हाल वैसे क्या वैसे रहना है और खराब होने हैं, इनसे बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं। सही बात है। अब तो देखो कोई क्रिकेट की बात हो, इनके कभी पीएम ने कभी बात नहीं आज तक की कि भाई पाकिस्तान को ये कर। क्रिकेट में भी मैं ये सुन रहा था कि इन्होंने नहीं आना पाकिस्तान, अब आगे देखो पता नहीं कोई क्या होता है। लेकिन हो सकता है पीएम मोदी आ भी सके, काफी मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो नवाज की है, मतलब नवाज के भाई की है, और वैसे भी पीएम मोदी की दोस्ती काफी ज्यादा है, रह चुकी है पास्ट के अंदर, शायद हो सकता है शरीफ फैमिली, हो सकता है, हो सकता है ये सुभाष शरीफ को भी बेनिफिट मिलेगा, अगर वो आएगा ना तो उसकी थोड़ी वाह वाह हो जाएगी। सही बात है, इंडिया को मैं ले आया, लेकिन चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उस कंडीशन में है यार। लेकिन अभी इंडिया ने इसका रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो गाइस अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाकी ये जो कार्टून ही थी, ये जो एंकर था इसकी वजह से बड़ा और मजाक इन जैसे लोगों से, एक ये भी लाल टोपी वाला है वो भी बड़ी बड़ी थैंक यू बातें फेंकता यार, और लाल टोपी पाकिस्तान चांद पर होगा, पाकिस्तान कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो